नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। इस वक्त बलिया में हैं और आज एक पुण्यतिथि पे उपस्थित है जहां कई ऐसे क्षेत्रीय नेता भी उपस्थित हैं। इसी सिलसिले पर बात करेंगे जो हमारे सामने मौजूद है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। उपेंद्र कुमार चौबे, गोपालपुर विकास खंड चिलिकौर, तहसील असाना, जनपद बलिया। आज इस पुण्यतिथि के अवसर पे आप लोगों ने उपस्थिति जताई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पे? आज जो पुण्यतिथि हो रही है, जिस गतात्मा की पुण्यतिथि हो रही है, वो गतात्मा स्वर्गीय श्री सेवानंद पांडे जी जिस तरह से मानव जीवन में धरातल पर मानव जीवन को ऊर्जा शक्ति देने के लिए भगवान भास्कर सूर्य देवता अपनी किरणों से सबको ऊर्जा देते हैं, धरती माता अन्न दे करके सबको जीवित और भोजन देती हैं, उसी तरह हम कार्यकर्ताओं के लिए, हम छोटे भाइयों के लिए, हम लोगों के लिए जो है उसी तरह से श्री सेवा पांडे जी हम लोगों के लिए हमेशा दिन रात लगे रहते थे। माननीय सनातन पांडे जी के लिए सेवा पांडे लक्ष्मण के रूप में थे, भरत शत्रुघ्न के रूप में थे, सेवक सेवक के नाम पर हनुमान के रूप में थे, और सेवा भैया के जाने से माननीय सनातन पांडे जी की जो क्षति हुई वो तो हुई, लेकिन हम कार्यकर्ताओं को जैसे एक लगता हो कि हमारी शरीर तो है लेकिन हम एक जीव के बिना निर्जीव हैं। कभी कभी हम लोग जब सेवा भैया का जिक्र करते हैं तो हम चिलिकहर के नहीं, जनपद के लोग हम लोग रो पड़ते हैं। उनकी पहचान ऐसी थी कि जिस तरह एक माँ अपने छोटे बच्चे को भूख में तड़पते हुए समझ जाती थी कि हमारा बेटा भूख से तड़पड़ा रहा है, उसी तरह सेवा पांडे जी हम कार्यकर्ताओं के भाषा को, हम लोगों के व्यवस्था को पल भर में समझने का काम करते थे और हमेशा कंधा से कंधा मिला करके हम लोगों को उस समस्या को दूर करने का काम करते थे। जिस जगह पर उपस्थित है वह एक ऐसा स्थान है जहाँ वो हादसे में एक ही घर में इतने बड़ा जो है दर्दनाक हादसा हो गया जो पूरे क्षेत्रों में एक शोक की लहर दौड़ पड़ी। आज उनके जो है इस जो है उपलक्ष पर, इस पुण्यतिथि के अवसर पे कई दिग्गज नेताओं ने अपने जो है भूमिका निभाई है। आज उनके उपलक्ष पे पहुंचकर उनके क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करके इस खास कार्यक्रम में जो है अपने बातों को रखने का प्रयास किया है। तो क्या माना जाए कि जिस तरह से आज देखा जाए तो एक कंबल वितरण का भी इसमें कार्यक्रम रखा गया है, जिसे जो गरीब दीन दुखिए लोगों को जो है एक मदद की बात यहाँ सामने आ रही है। जी ऐसा है कि देखिए, ये तो बहुत छोटा कार्यक्रम है, क्योंकि हम लोगों के जिले में बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव जी और जिला सचिव राजेंद्र पांडे जी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, और इस वजह से थोड़ा इसको छोटा कर दिया गया। नहीं तो पहली पुण्यतिथि से लेकर के और ये 14वीं पुण्यतिथि है, हमेशा 1000-2000 कंबल गरीबों को जो है माननीय मंत्री सनातन पांडे जी द्वारा वितरित किया जाता है। और ये तो पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि नहीं भी थी और सेवा भैया इस धरातल पर भी थे तो हमेशा गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए मंत्री जी भी और सेवा भैया भी और उनके परिवार के, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, हमेशा गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए हमेशा सहयोग, हमेशा सेवा और हमेशा समर्थन देने का कार्य किए। चलिए सबसे पहले आपसे भी परिचय चाहिए। हमारा नाम सतीश सिंह है, ग्राम सभा डुमरी, पूर्व प्रधान सतीश सिंह, विकास खंड चिलकहर, जिला बलिया कराने वाले हैं। आज देखा जाए तो एक बड़े पैमाने पे जो है इस कार्यक्रम को आगाज किया जा रहा है और इस क्षेत्र के लोगों से जो है खास मुलाकात के दौरान जो है एक कंबल वितरण का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। इसको जो है अपने लोगों के साथ, अपनी पार्टी के साथ किस तरह से साझा कर रहे हैं? लोगों के साथ साझा करने का मतलब है जिस आदमी का हम लोग पुण्यतिथि मनाने आए हैं, ये लगातार 14वीं पुण्यतिथि है और लगातार हम लोग आते रहे हैं। हम लोग दल और पार्टी से हटकर सेवा के नाम पर यहाँ हम लोग जुटते हैं, और सेवा से व्यक्तिगत हम लोगों का संबंध था। सेवा ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम ही सेवा नहीं था, कर्म भी सेवा था, कर्म के आधार पर उनको लोग जानते थे। सेवा ऐसे थे जो दूसरे के दुख दर्द बांटने के लिए अपना सब कुछ नछावर कर देते थे और लोगों की भावनाओं को आप रूपी जानने के लिए उनके अंदर इतनी क्षमता थी कि लोगों की भावनाओं आप रूपी वो जान जाते थे, और सेवा करने के लिए वो अपने
जीवन का हर कतरा देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों को, अपने संबंधों को निर्वाह करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया और कहीं ना कहीं भगवान को मंजूर नहीं था, वो इस दुनिया से चले गए। अच्छा, तमाम ऐसे भी बातें सामने आ रही है कि जहाँ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के जो है जो नेते बड़े पैमाने पे जो यहाँ उपस्थिति जता हैं, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि जो है नेताओं की यहाँ जो पार्टी की बात किया जा रहा है, उनके जो चुनाव से पहले लोगों को जो है एक संगठन की बात किया जा रहा है, लेकिन इस पुण्यतिथि को कहीं ना कहीं ये बागी बलियाँ है और पूरे ज़िले में जो है इसको हर एक पार्टी के लोगों को जो है जुड़ कर इसको जो है मनाना चाहिए। एकदम लोग मनाते हैं, आप देखे होंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं हर दल और पार्टी के लोग यहाँ हैं, कोई समाजवादी पार्टी का विशेष रूप लोग नहीं है, यहाँ हर तरह से लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, हर तरह के, हर धर्म के, हर जात के लोग यहाँ आए हुए हैं और सेवा के नाम पर आए हुए हैं। पार्टी तो अलग है, पार्टी के जो लोग हैं वो हैं रहेंगे, लेकिन हर दल के लोग यहाँ जुटे हुए हैं सेवा के नाम पर और उनके नाम पर हमेशा जुटते रहेंगे, आजीवन लगे रहेंगे, जब तक यह जीवन रहेगा, जब तक धरती रहेगी, सेवा की हर पुण्यतिथि लोग अपने दिलों और दिमाग से मनाते रहेंगे। बात किया जाए सेवा के उन कर्मों को जिनके जो है अथक प्रयासों से, उनके स्नेह को जो है देखते हुए लोगों ने उनके घर के लोगों से मिलने का काम किए, और कई ऐसे लोग हैं उनसे भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे। अरविंद सिंह पूर्व प्रधान पचहवा लौटा विकास खंड चिलकर। और ये बताइए आज इस उपलक्ष्य पे आप हैं, थोड़ा सा एक शब्द बता दीजिए, क्योंकि जिस जगह पे आप हैं ये परिवार जो है बड़ा हादसा से गुजरा है। हादसा था, बात समझ रहे ना, बहुत दुखद हादसा था, 14वीं बार हो रहा है। 14वीं बार, हाँ, हम लगातार आप लोग यहाँ एकदम लगातार पार्टी से अलग हट करके रहते हैं। यहाँ कोई पार्टी का जो है कोई शीर्ष नहीं है, और यहाँ हर दल के लोग जो है इस पुण्यतिथि में जो है शरीक हो रहे हैं, तो इस सिलसिले से लोगों का उपस्थिति है, न कि कोई पार्टी लेवल की उपस्थिति है। कहाँ से है? हम जोगापुर से हैं, जोगापुर पूर्व BDC सदस्य। अच्छा। और इस समय हम समाजवादी पार्टी के सचिव हैं रसड़ा से। अच्छा, ये बड़े हादसा जो इस परिवार में हुआ, आज पुण्यतिथि के अवसर पे आप लोग उपस्थिति जताए हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये पुण्यतिथि शिवानंद पांडे जी के हम लोग मना रहे हैं, इसमें ये सेवा के भाव से सेवा पांडे जी एक समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत थे, इनकी जितनी भी गाथाएं गाएं वो बहुत कम है, ये गरीबों के लिए मसीहा थे। हाँ, चलिए, जहाँ तमाम बातें सामने आ रही है और कई ऐसे और भी लोग हैं, क्या नाम पड़े? मैं आनंद कुमार पांडे, बांसडी विधानसभा, बेरवार भरी ब्लॉक। अच्छा, ये बताइए आज जिस पुण्यतिथि पे हैं इनके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? उनका ये सोच था बिना पद पर रहते हुए कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वतः जा कर के मदद करते थे और उनका सुख दुख में हमेशा शामिल होते थे, उनकी याद में मैं इसीलिए आया हूँ और उनसे आजीवन प्रभावित रहूँगा। बस तमाम बातों के साथ भी न्यूज़ इंडिया पे खास इतनी जानकारी के लिए विमलेश कुमार, नमस्कार।